हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्कल। देखिए, आज से हम क्लास 11th के लिए आईआईटी जेईई साइंटिफिक असिस्टेंट, टीचिंग जॉब्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके अंदर साइंस में जो फिज़िक्स आती है उसकी हम तैयारी करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल वर्ल्ड के लिए, पार्ट फर्स्ट है ये। इसके लिए मैंने दो वीडियोज़ बनाए हैं, आप पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा। पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हर एक वो बेसिक बातें जो एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि साइंस जो है वो क्या है, एक रटी रटाई डेफिनेशन आप लिख कर आते हो। आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोला जाए तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो इसकी बेसिक सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, जिसके कारण आप एक्सप्लेन अच्छा कर पाओगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि साइंस है क्या। तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक इंटरप्राइज। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो साइंस की डेफिनेशन है उसके अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको समझना हमें ज़रूरी है। तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक इंटरप्राइज। सिस्टमैटिक इंटरप्राइज का मतलब क्या है, साइंस जो है वो जैसे ही इन्वेंट की जाती है या किसी के बारे में डिस्कवरी की जाती है तो वो जस्ट ऐसे ही नहीं की जाती। हमें सबसे पहले एक कल्पना, एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर सही जा रहा है तो हम उसके ऊपर और ज़्यादा टेस्ट वगैरह करते हैं और एक कंक्लूजन तैयार करते हैं कि क्या वो थ्योरी सही है या नहीं है जो उस डिस्कवरी पर, उस इन्वेंशन पर लगी है। और अगर वो सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस ली थी, जो हमने कल्पना की थी उसके बारे में, वो हम चेंज करते हैं, अदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन इम्प्लाइज करते हैं और टेस्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनको प्रूव करते हैं। अगर वो सही है तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम और एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। तो ये क्या है, कोई भी थ्योरी जो है वो बनी है, वो क्या है, एक सिस्टमेटिक इंटरप्राइज के थ्रू बनी है। एक सिस्टमेटिक उसमें प्रोसेस होती है दैट बिल्ड्स ऑर्गेनाइजेस नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम जितनी भी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट या स्टडी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करना, नॉलेज लेना ही क्या है, साइंस है। इन एन ऑल्डर एंड क्लोजली रिलेटेड मीनिंग, साइंस ऑल्सो रिफर्स टू ए बॉडी ऑफ नॉलेज इट्सेल्फ ऑफ द टाइप दैट कैन बी रैशनली एक्सप्लेन्ड। रैशनली एक्सप्लेन का मतलब क्या है, जो जितनी भी बातें उसके थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन की गई है वो रैशनल होनी चाहिए। रैशनल एक्सप्लेन एंड रिलायबली अप्लाइड। रिलायबली अप्लाइड का मतलब क्या है, मान लो किसी एक साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दे दी तो वो रिलायबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी दूसरा साइंटिस्ट उसको चेक करके देखता है कि क्या वो सही है या नहीं है, तो उसकी थ्योरी कैसे आनी चाहिए, उतनी ही सही होनी चाहिए जितना कि पहले वाले ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो रिलायबल का मतलब क्या है, अदर कोई भी थ्योरी आती है तो अदर साइंटिस्ट भी उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वो सही थ्योरी की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सही जाती है तब तो उसको कोर्सेज में इंक्लूड कर देते हैं कि ये थ्योरी जो है वो आपके पढ़ने लायक है, इस पर और अगर रिसर्च करना चाहें तो सबसे पहले वो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें कि वो थ्योरी फेल हो गई है तो वहाँ पर उस थ्योरी की लिमिटेशन आ जाती है और अदर थ्योरी आ जाती है किसी दूसरे साइंटिस्ट की। अ प्रैक्टिशनर ऑफ साइंस इज नॉन एज अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट किसको कहेंगे, जो भी उस थ्योरी के बारे में इन्वेंशन कर रहा है वही क्या है, वो साइंटिस्ट कहलाएगा। तो यहाँ बात हो गई साइंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड, कि कौन कौन सा एटीट्यूड हम रखना चाहिए। और एक चीज़ और आती है कि हम जो मेथड यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड वो क्या है। तो यहाँ हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस इन फिज़िक्स जनरली फॉलो द साइंटिफिक मेथड। जो भी इन्वेस्टिगेशन हम फिज़िक्स में करते हैं, साइंस में करते हैं, वो क्या करता है, एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। वो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो देखो, आपने पढ़ा होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इस ह्यूमन बीइंग को किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसी अकॉर्डिंग डिस्कवरी होती है, इन्वेंशंस होती है,
और उस पर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस चलती है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको स्टेट करते हैं, गैदर इन्फॉर्मेशन। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, गैदर इन्फॉर्मेशन। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। फॉर्म अ हाइपोथेसिस, अब क्या करना है उस प्रॉब्लम के बारे में हमको एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना या फिर इमेजिनेशन करनी है कि उसके अकॉर्डिंग हम आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकें। तो एक हाइपोथेसिस जैसे ही हम बनाते हैं उस पर क्या करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो हम उस हाइपोथेसिस का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, उस पर बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देन क्या करेंगे, एनालाइज डाटा, डाटा को एनालाइज करेंगे कि क्या वो राइट है या फिर नहीं आ रहे हैं, कितना एक्यूरेट है। फिर क्या करेंगे, कॉन्क्लूजन हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास दो चीज़ें सामने आती है, एक तो क्या है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो सपोर्ट कर रही है उस प्रॉब्लम को, यानी उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकल पा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड। एक ये भी चीज़ हो सकती है कि हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट ना भी करें। तो हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हम ले कि हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड, देन हमें क्या करना है, मॉडिफाई हाइपोथेसिस करना है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने परिकल्पना ली है वो अभी फेल हो चुकी है, कोई नेक्स्ट हमें परिकल्पना पर काम करना पड़ेगा और वही प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा एंड कॉन्क्लूजन जो है उसका निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रही है तो भी हम उसको बार बार चेक करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं है, उस पर भी हम बार बार में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रही है देन रिपीट सेवरल टाइम, उसको हम बार बार रिपीट करके देखेंगे, उसी टेस्ट से उसी एक्सपेरिमेंट से बार बार गुजारना पड़ता है और हम देखते हैं कि वो हाइपोथेसिस अगर सही है हमारी तो हम आगे कुछ डिस्कवरी वो हमारी सही होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की, इनिशियल डाटा कलेक्शन लीडिंग टू अ क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे डाटास का, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेंगे, टेस्टिंग इंटरप्रेट रिजल्ट्स प्लस रिवाइज हाइपोथेसिस इफ नेसेसरी। अगर नेसेसरी है तब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, स्टेट कॉन्क्लूजन। सम हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या करते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस अगर लेते हैं, कोई हाइपोथेसिस वो टेस्टेड की जाती है किस वजह से, ऑब्जर्वेशंस की वजह से, उसे प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है। अदर्स कैन बी टेस्टेड बाय बिल्डिंग अ मॉडल एंड रिलेटिंग इट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। उसे हम क्या करेंगे, देखो अलग अलग तरह के जो हाइपोथेसिस है उन पर अलग अलग तरीके से हमें वर्क करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो कई तरह की हाइपोथेसिस सामने आती है जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे रियल लाइफ सिचुएशन को में रिलेट करना पड़ता है या फिर उस पर टेस्ट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तक तो हमने बात की साइंस, और साइंस में हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ये फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से बना है। तो अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिजिसिस मीनिंग नेचर। इसका मतलब क्या है, देखिए हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का मतलब क्या है, एक स्टडी कर रहे हैं हम नेचर पर। अब नेचर में जितना भी कुछ समाया हुआ है उसके बारे में स्टडी करना या फिर कुछ उस नेचर में ही कुछ क्रिएट करना, कुछ इन्वेंट करना, ये सब क्या है, फिजिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है फिजिसिस, उसका मतलब होता है नेचर। तो यही हमें किसके बारे में बताता है, फिजिक्स के बारे में बताता है। और ये जो वर्ड फिजिक्स जो बना है किससे बना है, ग्रीक शब्द फिजिसिस से बना है। और एक लैटिन शब्द भी है जिसको हम कहते हैं फिजिका। तो ये जो है वो नेचुरल थिंग्स के बारे में बताता है। तो नेचर हो या फिर नेचुरल थिंग्स हो, उनके स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो किसके कारण है, एक मैटर के कारण है। अब मैटर जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इन तीन चीज़ों का अध्ययन या स्टडी जो है वो मेन है, और इसी
को ही समझना क्या है, फिजिक्स है। इट डील्स विद हाउ एंड व्हाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट एज दे डू। एनर्जी इज द कॉन्सेप्चुअल सिस्टम फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ द यूनिवर्स वर्क्स एंड अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन मैटर। तो यहाँ बात आती है, देखो मैटर के बाद में बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी एंड मैटर ये कैसे डील करते हैं और क्यों डील करते हैं विद यूनिवर्स, ये हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। ऑल दो एनर्जी इज नॉट अ थिंग, थ्री आइडियाज अबाउट एनर्जी आर इम्पोर्टेंट। हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी जो है वो कोई थिंग नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमें दिखती नहीं है। हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो एनर्जी क्रिएट नहीं करती है। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो कोई भी वो स्पेस नहीं घेरती है। जिसके अंदर भी वॉल्यूम है, जो भी मैटर जो है, जो हम जैसे मान लो हम लिक्विड की बात करें, पानी की बात करें, तो वो क्या है, वो एक वॉल्यूम बनाती है। अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो वो वॉल्यूम बनाती है। इसका मतलब क्या है, उस वॉल्यूम के लिए उसे उतना स्पेस भी चाहिए, वो स्पेस घेरती है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, ये कोई थिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम नहीं बनाती है, ना ही कोई ये स्पेस घेरती है। इसलिए कहा गया है कि ये कोई थिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। एनर्जी के बारे में हम थ्री आइडियाज़ पढ़ेंगे। इट इज़ चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनादर फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका फिजिकल इवेंट्स में, ठीक है। तो बाय फिजिकल इवेंट्स हम क्या मानते हैं, कि कोई भी जो एनर्जी है वो किसी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब मान लो अगर हम जनरेटर की बात करें, आपने टेंथ क्लास में या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर में हम क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं। तो वहाँ पर मैकेनिक्स काम करेगी, वहाँ पर एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो इसका मतलब क्या है, उसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। या फिर अगर हम बात करें इसके अपोजिट एग्जांपल की, तो वो आता है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड अगर हम बात करें कि मोटर से पानी को खींचा जा रहा है बोरिंग से, और वो टंकियों में चढ़ाया जा रहा है, मान लो, तो पानी को खींचना क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी बन रही है वहाँ पर। इसका मतलब क्या है, मोटर को अगर एनर्जी दी जाने की बात करें तो वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन वो वर्क क्या कर रही है, वो एनर्जी आउटपुट में क्या दे रही है, मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन काम करता है, किसका, एनर्जी का। तो पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें, तो पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। बस वो क्या होगी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, वो क्रिएट नहीं की जा सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, व्हेन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड सम ऑफ इट यूजुअली गोज इनटू हीट। इसका मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो यहाँ कुछ उसका हिस्सा किस में चेंज हो जाता है, हीट में निकल जाता है। जैसे अगर हम बात करें जनरेटर की ही बात कर लेते हैं, जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगर आप जनरेटर के पास खड़े होकर देखेंगे तो वो क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है, उससे हीट निकलती है, तो वो क्या है, वो भी एक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैकेनिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड की जा रही थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो चेंज हुई, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट में भी चेंज हो गया, थोड़ा सा हीट में निकल जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, हमने जान लिया है कि किन दो शब्दों से बना है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे मैटर एंड एनर्जी की। फिजिक्स में जितना भी हम कुछ पढ़ते हैं मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी की तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब आगे चलते हैं, टू बेसिक क्वेश्चंस इन फिजिक्स। तो अगर हम बात करें कि दो ऐसी खोजें हैं फिजिक्स में जो कि क्या है, फर्स्ट तो है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब कि हम चीज़ों का एकीकरण करते हैं, चीज़ों को हम साथ लेकर आते हैं, जुटाते हैं। दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म। तो यहाँ पर चीज़ों को क्या कर किया जाता है, रिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे इन दो चीज़ों की, आइए देखते हैं कैसे।
इसमें हर एक पॉइंट आपको पढ़ना है. वन लार्ज क्वेश्चन अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज दैट एक्साइट्स फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक अटेंशन कॉन्सर्न द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल थ्योरी दैट विल एनकम्पास द डोमेन्स ऑफ ऑल द साइंसेस. तो यहाँ क्या होता है कि ऑल द साइंसेस को अगर हम बात करें कि शामिल करने की, एनकम्पास का मतलब क्या है, शामिल करना. तो कोई भी एक लार्ज क्वेश्चन है, साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, थ्योरीज देते हैं और फिलोसफिकल एक्साइटमेंट वहाँ पर रहती है. क्योंकि फिलोसफर्स का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं, अपनी फिलोसफी बनाते हैं और अगर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस थ्योरी को वो प्रूव कर देते हैं तो वो साइंस में इंक्लूड हो जाता है. तो यहाँ ये बात हो रही है. सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे, मैनी थिंकर्स आर अट्रैक्टेड बाय द आइडिया ऑफ द यूनिफाइड साइंस. यूनिफाइड साइंस का मतलब क्या है, चीज़ों को जोड़ना, एकीकरण करना. तो जो भी थिंकर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इस आइडिया के पास. और बाय द व्यू दैट द साइंसेस फॉर्म ए हायरार्की. हायरार्की का मतलब होता है वर्गीकरण करना. केमिकल रिएक्शंस देमसेल्व्स इन्वॉल्व द फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बोन्स एंड दीज आर मैटर्स ऑफ द माइक्रोफिजिक्स. माइक्रोफिजिक्स का मतलब क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे हैं, थिंकर्स की जो थिंकिंग करते हैं, पहले आइडिया के बारे में रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, देन उस पर बाद में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है. तो यहाँ क्या हो रहा है, themselves involve the forming and breaking the bonds and these matters of microphysics. हम जितने भी matters bonding इनकी पढ़ते हैं, breaking of bonds पढ़ते हैं, ये सब क्या है, microphysics के अंतर्गत आता है. microphysics समझ लेते हैं. देखो दो चीज़ें होती हैं, macro और micro. तो micro का मतलब क्या है, सूक्ष्म, यानी जो चीज़ें invisible है वो क्या होती है, सूक्ष्म होती है. मैक्रो क्या है, स्थूल, यानी बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो माइक्रोफिजिक्स में आती है. अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ दोज अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस वुड दस अमाउंट टू अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. अब बात आती है रिडक्शनिज्म की. रिडक्शनिज्म इज़ अ फिलोसफिकल पोजिशन विच होल्ड्स दैट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. यहाँ क्या बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात हो रही है. इज़ नथिंग, ये क्या बोलता है रिडक्शनिज्म, क्या है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज नथिंग बट द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. अगर अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग स्टडी की जाए तो वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो किए जा सकते हैं. एंड उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हर एक पार्ट का अगर अपन स्टडी करें तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है. एंड दैट एन अकाउंट ऑफ इट can be reduced to accounts of individual constituent. This can be said of objects, phenomena, explanation, theories and meanings. Next हम बात करते हैं branch in physics. तो physics में कितनी सारी branches हैं और mainly कितनी branches हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ों की study करते हैं ये देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं thermodynamics की. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में. इन सारी हम थर्मोडायनेमिक जो यूनिट्स होती हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं. और इसमें बेसिक बेसिक हम क्या पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं. सेकेंड हम लेते हैं मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स में मोशन एंड इट्स कॉजेस की, मोशन जो है वो क्या है, और इसके अंदर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़ते हैं. न्यूटन्स की थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आती है. इक्वेशन अलग है एंड जो लॉज हैं वो अलग है, और किस कारण मोशन होती है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं. इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें रेस्ट यानी रेस्ट पोजीशन की भी बात करते हैं, मोशन की भी बात करते हैं, साथ साथ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, इन सब की बात करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेशंस एंड वेव्स. तो इसमें पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक मोशन. एटॉमिक अगर फिजिक्स की बात करें तो एटॉमिक फिजिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटॉमिक चेंजेस. तो कोई भी एटम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है उस एटॉमिक चेंजेस के लिए, तो वो हम बात करते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, एक नाभिक जो है उसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं.
न्यूक्लियर का मतलब ही न्यूक्लियस से है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर चेंजेस, साथ ही हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं, और फ्यूज़न एंड फिजन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है नेक्स्ट, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, मैग्नेटिज्म की, एंड ईएम वेव्स। ईएम वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का अलग से स्टडी करते हैं, देन हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे, और दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट। देखो लाइट का जो इफेक्ट है वो हम कई तरह से देखते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिफ्रेक्शन पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे ऑप्टिक्स में। तो ये क्या थी ब्रांचेस इन फिजिक्स। अब हम बात करेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। देखो सबसे बढ़िया अगर बात है तो वो ये है कि फिजिक्स में आपको तभी इंटरेस्ट आएगा जब आप उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ोगे, अपनी सोसाइटी से जोड़कर उसको पढ़ोगे। तो यहाँ हम बात करेंगे फिजिक्स की, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस इज एन इंटरनेशनल एंटरप्राइज विच प्लेज अ की रोल इन द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो जो भी साइंस हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो ह्यूमन काइंड के लिए थोड़ा भी अच्छा है, थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो वही एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक तरह से इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि आगे रिसर्च में अगर किसी को जाना है तो वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिनका बुरा प्रभाव अपनी नेचर पर ना पड़े और वो ह्यूमन काइंड के लिए क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो, अच्छा हो। द सपोर्ट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च इन ऑल कंट्रीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फिजिक्स की जो एजुकेशन है वो किस किस को सपोर्ट करती है, कैसे सपोर्ट करती है, और क्या क्या उसके रोल है सोसाइटी में। फिजिक्स इज एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल एडवेंचर दैट इंस्पायर्स यंग पीपल एंड एक्सपांड्स द फ्रंटियर्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट नेचर। सेकेंड हम बात करेंगे फिजिक्स जनरेट्स फंडामेंटल नॉलेज। ये क्या जनरेट करता है, एक तरह से फंडामेंटल नॉलेज जनरेट करता है नीडेड फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एडवांसेस दैट विल कंटिन्यू टू ड्राइव द इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें वो हमें फंडामेंटल नॉलेज दे उसके बारे में, जो आगे टेक्नोलॉजीज से जुड़कर पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज करें। फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स टू द टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोवाइड्स ट्रेंड पर्सनल नीडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसेस एंड डिस्कवरीज, कि आगे ये एडवांसेस लें और डिस्कवरीज को जनरेट करें, जिन डिस्कवरीज को लाएं, ताकि जो वर्ल्ड है उसमें और ज़्यादा आविष्कार हो और ज़्यादा हेल्पफुल हो वो चीज़ लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द एजुकेशन ऑफ केमिस्ट्स इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एज वेल एज प्रैक्टिशनर्स ऑफ द अदर फिजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज। तो बायोमेडिकल साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स काम आते हैं वो फिजिक्स की ही देन है। फिजिक्स एक्सटेंड्स एंड एनहांसेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर डिसिप्लिनस सच एज द अर्थ एग्रीकल्चर केमिकल बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस प्लस एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट्स ऑफ सब्सटेंशियल इम्पोर्टेंस टू ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो फिजिक्स जो है आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड, बहुत क्या आजकल तो हर एक फील्ड में फिजिक्स काम आती है, तो हर कहीं आपको फिजिक्स देखने को मिल सकती है जहाँ फिजिक्स ने उन फील्ड्स को बहुत ज़्यादा हाइट्स पर ले गई है। सिक्स हम देखते हैं फिजिक्स इम्प्रूव्स अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर डेवलपिंग न्यू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस सच एज कंप्यूटर टोमोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी अल्ट्रासोनिक इमेजिंग एंड लेजर सर्जरी। जैसे मैंने अभी बताया कि मेडिकल साइंस में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारी ही जो है वो फिजिक्स की देन है। फिजिक्स ने इतनी ज़्यादा हर एक फील्ड में उनको ऊंचाइयों पर ले गया है
जिसके कारण वहाँ की जो टेक्निक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सुधरी है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखिए, अपने नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस है उसकी हम स्टडी करेंगे। चार तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन सा? फर्स्ट हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अपना जो जितना भी सोलर सिस्टम है उसको बाइंड किए हुए है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम आज जहाँ पर हैं, हम अर्थ पर हैं, अर्थ है, अदर प्लैनेट्स हैं, सन है, अपनी गैलेक्सीज हैं, अदर गैलेक्सीज हैं, अपना जितना भी सोलर सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है? वो अगर बाइंड है एक दूसरे से तो वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने पूरे यूनिवर्स में। दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंड्स एटम। तो जितना भी मैटर है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो बाइंड्स है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो इसका एक अपनी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियस। अगर हम एटम की बात करें तब तो वो क्या है? बाइंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वो बाइंड होता है किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। देखिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दो अपने पास पार्टिकल्स हैं। वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है वो तीन तरह से लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगा। तो यहाँ बात आती है न्यूक्लियस के दोनों पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के फोर्स के बीच फोर्स की आती है बात, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब दूसरी चीज़ आती है वीक फोर्स इन रेडियो एक्टिव डीके। देखिए, यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो कोई एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। और वहाँ पर एक चीज़ होती है डीके, होता है कौन सा वाला? बीटा डीके। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बीटा डीके में दो पार्टिकल्स निकलते हैं। तो वो दो पार्टिकल्स, एक तो क्या होता है? अनचार्ज पार्टिकल होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ हमने बेसिक सी बातें पढ़ी हैं चारों फोर्सेस के बारे में। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ जो पूरा इन चारों फोर्सेस को डिस्क्राइब करेगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा, इनके एग्जाम्पल्स बताएगा, इनके फॉर्मूलाज बताएगा, और इनका कहाँ कहाँ यूज़ आता है वो सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन लॉज की। अब कंजर्वेशन लॉज में बहुत सारे लॉज हैं। वो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ हो सकता है, वो मोमेंटम का। मोमेंटम में दो तरह के मोमेंटम आते हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम और एक आता है एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पर रोटेशन होती है। तो दो तरह के मोमेंटम हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल जो तीन बातें हमने एनर्जी की पढ़ी है उसी से ही हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तीसरी बात, जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तब उसका कुछ पार्ट जो है वो हीट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो कंजर्वेशन है वो क्या है। देखिए, मान लो हमने कोई सिस्टम लिया, उस सिस्टम में जितनी एनर्जी हमने रखी है के बाद हम उस सिस्टम पर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनर्जी हमें उतनी ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट करने से पहले सिस्टम में जितनी एनर्जी थी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अगर उतनी ही एनर्जी मिलती है तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लाइज दैट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी आइसोलेट कर दिया गया है एक सिस्टम को, यानी उस सिस्टम से एनर्जी ना तो बाहर जा सकती है ना ही बाहर से अंदर सिस्टम में एनर्जी आ सकती है। तो वहाँ पर अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉलिंग बॉडी हैज़ अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो कॉन्स्टेंट अमाउंट क्या होगा? देखिए, बट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। देखिए, दो एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी
एंड काइनेटिक एनर्जी, दो चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी है वो उसमें कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को हम हाथ से पकड़कर जमीन की तरफ गिरा देंगे तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब उसको काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज कर देगी, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल पोजिशन से वो किस में जा रहा है, वो मूविंग पोजिशन में जा रहा है, मतलब मूव हो रहा है। तो अगर वो स्टेबल है तब तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो मूव कर रहा है, अगर उसको हमने ज़मीन पर गिरा दिया तो उस टाइम उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो गई है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट। ये आपको पता ही होगा कि एनर्जी एंड मास जो है वो इक्विवेलेंट होता है किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। डज द रेस्ट मास ऑफ अ बॉडी मे बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पार्ट ऑफ विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं आइंस्टाइंस कैवियट, मास एनर्जी इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जितने भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, अ पावरफुल टूल होता है ये मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होगा, मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में ये पावरफुल टूल की तरह काम में लिया जाता है। विद एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो काम में आते हैं यहाँ पर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे। शोज अप इन मैनी फॉर्म्स इन इट्स रोल एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक सब जो भी हम कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर पढ़ेंगे उसके लिए एक हर एक अलग इसी तरह का कोई डायग्राम होगा, उसके बारे में हम उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर जो मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज इन मोशन रिटेन्स इट्स टोटल मोमेंटम। तो यहाँ बात आती है कि टोटल मोमेंटम है उसको क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेक्टर वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सच एज द यूनिवर्स, मान लो यूनिवर्स लिया है, देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, सो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो पूरे अगर यूनिवर्स को अगर हम एग्जाम्पल माने एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो हम क्या देखते हैं, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ क्या होगा, मोमेंटम जो है ऑलवेज कंजर्व रहेगा, बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व, इट्स कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन विल ऑल्सो बी कंजर्व। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, मान लो इसके कंपोनेंट्स हमने ले लिए, लेने मोमेंटम के हमने x डायरेक्शन में ले लिया, इसको y डायरेक्शन में ले लिया, इन z डायरेक्शन में ले लिया, तो इसके तीन कंपोनेंट्स हो गए ना। तो यहाँ क्या बात करेंगे कि किसी भी डायरेक्शन में जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो सब भी क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉलिजन प्रॉब्लम। कॉलिजन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल आपस में टक्कर करते हैं या कॉलिजन करते हैं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक बात हो रहा और हम जानेंगे कि जो कॉलिजन्स होती है वो क्या होती है, दो तरह की हो सकती है, एक तो वो होगी इलास्टिक एंड एक होगी वो इनइलास्टिक। तो दो कॉलिजन्स में किस तरह से लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है, आगे हम 11th क्लास का ही एक लेसन है उसमें हम बात करेंगे डिटेल में इसकी। द ऑपरेशन ऑफ द रॉकेट्स एग्जाम्पलीफाइज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द इंक्रीज फॉरवर्ड मोमेंटम, जो फॉरवर्ड मोमेंटम है, मान लो किसी रॉकेट को हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने के बाद जो उसका फॉरवर्ड मोमेंटम था ऑफ द रॉकेट इज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन टू द मोमेंटम ऑफ द इजेक्टेड एग्जॉस्ट गैसेस। मान लो किसी रॉकेट को हमने क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया, तो ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, जो फॉरवर्ड उसका मोमेंटम होगा वो इक्वल ही होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी कैसी हो जाएगी, उसका जो साइन होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यानी मान लो पहले पॉजिटिव साइन था तो अब कितना क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन।
ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी इसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह ये वर्क करता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग कॉलिजन्स। अभी हमने बात की कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये किस लिए काम आता है, ये एनालिसिस करता है किसका, कॉलिजन्स का। कॉलिजन्स क्या होती है, टक्कर होती है पार्टिकल्स की, विच मे बी इलास्टिक और इनइलास्टिक। अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के टक्करें या फिर दो तरह के कॉलिजन्स की हम बात करते हैं, एक होती है इलास्टिक दूसरी इनइलास्टिक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच मे बी रिलेटिविस्टिक एंड कॉलिजन्स मे विच मे बी वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। यहाँ बात हो रही है अगर मान लो वन डायमेंशनल अगर कॉलिजन की बात करें तो नॉर्मली अगर वन डायमेंशनल की बात करें तो वन डायमेंशनल कॉलिजन भी होती है, मल्टी डायमेंशनल भी होती है। टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल या उसके ऊपर हम बात करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल होगी। तो हर तरह के कॉलिजन्स में इसको हम एक तरह से एनालाइजर की तरह से हम एक टूल के रूप में इसका यूज देखते हैं। देन बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलाउज मोमेंटम चेंजेस फॉर सिस्टम्स विद एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर इक्वल टू इम्पल्स और फोर्स। तो ये क्या काम करता है, ये एक अलाउ करता है मोमेंटम चेंजेस फॉर सिस्टम एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, सिस्टम्स कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखेंगे, विच आर इक्वल टू इम्पल्स और फोर्स। ये फोर्स की तरह ही एक तरह से काम करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं, जहाँ बात हो रही है टॉर्क की या फिर हम बात करेंगे रोटेशन की, तो वहाँ जो मोमेंटम काम करेगा वहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडीज इन एनालॉगस टू दी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि यहाँ पर थीटा आ रहा है, रोटेशन आ रही है, डायरेक्शन आ रही है। हुज कंजर्वेशन एक्सप्रेसेस द लॉ दैट अ बॉडी और सिस्टम दैट इज रोटेटिंग कंटिन्यूस टू रोटेट एट द सेम रेट अनलेस अ ट्विस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम रेट से अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है तो वहाँ उसका जो मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, कॉल्ड अ टॉर्क इज अप्लाइड टू इट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच बिट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द एक्सिस। देखिए अगर हम कोई भी एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर एक पार्टिकल की हम बात करते हैं जो कि क्या हो रहा है, रोटेट करता है एक फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कोई भी पार्टिकल एक फिक्स रोटेशनल एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करता है तो वहाँ पर उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। और अगर वो कंटिन्यूसली अगर रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाइज टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें भी हम क्या बात करेंगे कि कोई भी हम सिस्टम ले रहे हैं जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, कोई पार्टिकल है जो रोटेशनल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, उस सिस्टम को हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। ध्यान रखिए हर बार एक आइसोलेटेड वर्ड जो है वो यूज़ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी कंजर्वेशन लॉज यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं वो एक ऐसे सिस्टम पर फॉलो किए जा रहे हैं या फिर कंजर्व्ड हैं जो कि क्या है, आइसोलेटेड है। दूसरी हम बात करते हैं बात कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एड्स एनालिसिस ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स। एक किसका एनालिसिस करता है, ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का एनालिसिस करता है एंड गायरोस्कोपिक मोशन इन्वॉल्व्स वेक्टर प्रॉपर्टीज लाइक टॉर्क्स प्रेसिशन विच मे बी चेंज्ड बाय टॉर्क। देखो ये जो है वो टॉर्क के कारण जो है वो चेंज हो सकती है। देखो अब बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क जो है वो क्या है, मान लो मेरे हाथ में पेन है, इसके दो एंड्स हैं, दो इसके सिरे हैं, एक सिरे पर मैं इस ऊपर की तरफ मान लो एक फोर्स लगा रही हूँ एक डायरेक्शन में, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इसके फोर्स लगा रही हूँ
दूसरे सिरे पर, तो जैसे ही हम इस पर इक्वल फोर्स लगाएंगे दोनों सिरों पर, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो पेन क्या होगा, घूम जाएगा, तो घूमकर अपने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगा। तो मान लो उसने क्या किया, एक राउंड जो है वो पूरा कर लिया, एक राउंड में उसके दोनों जो सिरों पर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो अगर नेट फोर्स की हम बात करें तो वो तो हो गया ज़ीरो, लेकिन इस रोटेशन को, ये रोटेशन किस वजह से हुई, उसी फोर्स की वजह से हुई। फोर्स तो यहाँ पर हो गया ज़ीरो, लेकिन एक और क्वांटिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है जो कि क्या करती है, पेन को रोटेट करती है, वही क्या है, टॉर्क है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास इम्प्लाइज दैट मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। प्रोसेसेस दैट चेंज द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, तो कोई भी मास जो है वो कंजर्व होता है किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, सच एज कंजर्वेशन ऑफ ए लिक्विड टू ए गैस। तो अगर लिक्विड से गैस में वो चेंज हुआ तो मास क्या रहा, उसका कंजर्व रहा। अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेकर चलते हैं, लीव द टोटल मास अनचेंज्ड, अनचेंज्ड रहा मास। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मास इज नॉट ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। हाउएवर एक्सेप्ट द न्यूक्लियर reactions, the conservation of rest mass into other forms of the mass energy is so small that to a high degree of precision rest mass may be thought of as conserved। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है rest mass की, तो rest mass may be thought of as conserved। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब देखिए हम बात करेंगे कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, उसमें हमने क्या किया कि दो बॉडीज़ हमने रखी है, एक बॉडी पर मान लो सिक्स चार्जेस हैं प्लस के, दूसरी बॉडी पर हैं टू चार्जेस हैं प्लस के, दो चार्ज बॉडीज़ हैं, तो टोटल उस सिस्टम का जो चार्ज है वो कितना हो गया, एट पॉजिटिव चार्जेस हो गए। फर्स्ट बॉडी पर सिक्स पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड बॉडी पर टू पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमने क्या किया, कंडक्शन इफेक्ट किया, वहाँ पर उन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आ रहे हैं, और क्या किया, अगर वहाँ पर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन करें तो दोनों ही बॉडीज़ पर इक्वल चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या है, फर्स्ट बॉडी पर जो सिक्स चार्ज था, सेकंड बॉडी पर जो टू चार्ज था, यानी अब जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आफ्टर द कंडक्शन इफेक्ट क्या आ जाएगा, दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज, मतलब दोनों पर फोर फोर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया कि कंडक्शन इफेक्ट अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट करने के पहले सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था, एट था। अगर हम बात करें फर्स्ट की तो सिक्स चार्ज प्लस सेकंड की टू चार्ज, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज अगर हम ऐड करते हैं तो एट पॉजिटिव चार्ज आता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हुआ क्या कि दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज आ गया, लेकिन पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या है, वो फोर प्लस फोर एट है। यानी एक्सपेरिमेंट करने के पहले उस सिस्टम में जितना चार्ज था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी अगर उतना ही चार्ज होता है तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो कहलाता है। तो हम बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। एट अ सब एटॉमिक लेवल चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बट ऑलवेज इन पेयर्स। अगर हम चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो पेयर्स में ही क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। मान लो किसी न्यूट्रल कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, चार्ज करना है, तो चार्ज करते ही जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर आ रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी आएगा, लेकिन एक चार्ज को रोकने के लिए दूसरे चार्ज को वहाँ से एलिमिनेट करना होता है, तब वो बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। या फिर हम बात करेंगे कि कोई भी एक चार्ज ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो गया तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज कहलाएगी, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी में। सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज बट ऑलवेज इन पेयर्स विद द इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। इन पार्टिकल फिजिक्स, अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात करें, अदर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल सच एज बारियोन नंबर। अब देखो यहाँ पर आपको जो बारियोन है, बारियोन नंबर है, लेप्टोन नंबर है, स्टेंजनेस है, ये आगे आप बात करोगे, आगे हम इसकी स्टडी करते हैं लाइक बैचलर ऑफ साइंस डिग्री में, बीएससी में हम इसकी स्टडी करते हैं। एंड मोमेंटम एनकाउंटर्ड इन एवरी डे लाइफ एंड मे बी थॉट ऑफ एज एनालॉगस
टू द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको सिर्फ इतना से समझना है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सपेरिमेंट करने के पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज है, जो क्वांटिटी है हमारे पास चार्ज, वो क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड का जो सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो कि चार फोर्सेस हमने पढ़े थे। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।